सब्सक्राइब करें इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। लोकसभा चुनाव के रुझान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की सत्ता में जबरदस्त वापसी के लिए हैं। सोशल मीडिया में रुझानों की जबरदस्त चर्चा है। सोशल मीडिया यूजर्स रुझानों के बहाने उन लोगों की खिंचाई कर रहे हैं जो चुनाव से पहले बीजेपी और मोदी की आलोचना करते नजर आ रहे थे, खासकर बॉलीवुड एक्ट्रेस त्वरा भास्कर और एक्टर प्रकाश राज सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार हो रहे हैं। दरअसल जैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी के पक्ष में रुझान आने लगे तो लोग पूछ रहे हैं कि श्वेता भास्कर कहां गायब हैं। एक यूजर ने लिखा, चार लोकसभा कैंडिडेट्स के लिए कैंपेन किया है, सभी हार रहे हैं। दूसरे ने लिखा, श्वेता भास्कर ने साड़ी और ज्वेलरी खरीदी और अपने जन्मदिन पर भी प्रचार किया। उसने कन्हैया कुमार, आतिशी मारलेना और दिग्विजय सिंह का समर्थन किया, सभी को बड़ी हार मिली है। स्वरा यह सुनकर डिप्रेशन में चली गई कि उनके पसंद के सभी उम्मीदवार पीछे हैं। वहीं बेंगलुरु सेंट्रल से निर्दलीय उम्मीदवार प्रकाश राज बुरी तरह से लोकसभा चुनाव हारते नजर आ रहे हैं, उन्हें भी ट्रोल किया जा रहा है। एक यूजर ने लिखा, प्रकाश राज कहां गायब हो गए, इलेक्शन से पहले इतना हल्ला मचा रहे थे और इलेक्शन के बाद साउंडलेस हो गए हैं। अगर आपको हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।